नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप सभी का न्यूज लाइव में स्वागत है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर चुनाव एक साथ लड़ेंगे कांग्रेस और एनसी। फारूक अब्दुल्ला ने कर दिया है ऐलान। चलिए पूरे सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं जम्मू कश्मीर का क्या है अपडेट। जी हां, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने वाला है। चुनाव के तारीखों के ऐलान के बाद सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर राहुल गांधी और फारूक अब्दुल्ला ने बैठक की है, जिसमें दोनों दलों के प्रमुख नेताओं के बीच बैठक के बाद इस बात पर सहमति बनी है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन करेंगे। फारूक अब्दुल्ला ने इसकी घोषणा की है, हालांकि सीट बंटवारे पर अभी बात नहीं हो पाई है। राहुल गांधी के साथ बैठक, जी हां, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के नेताओं ने गठबंधन पर चर्चा करने के लिए जम्मू कश्मीर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और फारूक अब्दुल्ला बैठक की है, जिसमें मुख्य रूप से दोनों दलों के बीच सीटों के आवंटन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। खबर के मुताबिक कांग्रेस ने कश्मीर घाटी में 12 सीटों पर इलेक्शन लड़ने की इच्छा व्यक्त की है, जबकि जम्मू संभाग में एनसी को 12 सीट देने की पेशकश की है। सीट बंटवारे पर नहीं हुई फाइनल डील, हालांकि सीट बंटवारे पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। सूत्रों के मुताबिक समझौतों को अंतिम रूप देने के लिए एक दो और दौर की जो बातचीत है वो हो रही है। अगर यह गठबंधन दोनों दलों के बीच होता तो आगामी चुनाव में जम्मू कश्मीर के राजनीतिक परिदृश्य को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है। यह चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक है। जम्मू कश्मीर और विधानसभा चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक है, क्योंकि यह चुनाव पिछले 5 सालों में जम्मू और कश्मीर में आए बड़े बदलावों के बाद हो रहे हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण चुनाव 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 रद्द करना था, जिसकी वजह से राज्य को केंद्र शासित प्रदेश यूटी में बदल दिया गया और इसका विभाजन हो गया, जिसके बाद लद्दाख बना विधानसभा एक यूटी बन गया। वजह हो कि जम्मू कश्मीर में 3 फेज में इलेक्शन होना है, इसके लिए सभी पार्टियां तैयार भी हो गई है। बाकी जिस तरीके से कांग्रेस एनसी के साथ ऐलान करने वाली है, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं बताइए।